9 बजे की पहली ब्रेकिंग न्यूज, अदानी मोदी का पोस्टर दिखाकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जबरदस्त प्रहार किया है। कहा है एक है तो सेफ है, लेकिन किसके लिए सेफ है। साथ ही कहा कि धारावी का भविष्य फिलहाल सेफ नहीं है। 9 बजे की दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, राहुल गांधी के पोस्टर के खिलाफ बीजेपी ने पोस्टर लहराया। महायुति कार्यकर्ताओं के पोस्टर में लिखा राहुल गांधी फेक है। 9 बजे की तीसरी बड़ी खबर, वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी आरएसएस को बताया जहरीला सांप। बोले ऐसे जहरीले सांप को मार देना चाहिए। खड़गे के बयान पर शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया, कहा यह नफरत की पराकाष्ठा है, यह मोहब्बत की दुकान चलाने वालों की भाषा है। कांग्रेस ने धर्म के आधार पर देश का विभाजन किया है। शिवसेना के गढ़ में राज ठाकरे का उद्धव पर बड़ा बयान, बोले उद्धव असली गद्दार, उन्हीं की वजह से सबने शिवसेना छोड़ी। 9 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्र में थम गया है चुनाव प्रचार का शोर। महाराष्ट्र और झारखंड में दूसरे चरण के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होगी। वहीं एक दिन पहले आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने वाले कैलाश गहलोत आज बीजेपी में शामिल हो गए। कैलाश गहलोत को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। वहीं यूपी उपचुनाव में वोटिंग से पहले जुबानी जंग, केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा लाल टोपी और जालीदार टोपी वाले गुंडों का दौर अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। 9 बजे की अगली बड़ी खबर, सुप्रिया सुले के हेलीकॉप्टर की भी जांच हुई। एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले के बैग की पुणे के मंजरी में एक हेलीपैड पर चुनाव आयोग के अधिकारियों ने जांच की। वहीं जेपी नड्डा का एमबीए पर बड़ा हमला, एमबीए वालों ने बांटने का काम किया है। पूरे महाराष्ट्र में महायुति की लहर है, महायुति के पक्ष में वातावरण बना हुआ है। 9 बजे की अगली ब्रेकिंग, दिल्ली में कांग्रेस को एक और झटका लगा है। आम आदमी पार्टी में शामिल हुए सुमेश शौकीन, अरविंद केजरीवाल ने सुमेश शौकीन को शामिल करवाया। वहीं दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती अपनाई है। दिल्ली एनसीआर में 12वीं तक के सभी क्लास को ऑनलाइन करने के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमसे बिना पूछे स्टेज 4 नहीं हटेगा, भले ही एक UI कम हो जाए। नाइजीरिया के बाद ब्राजील पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी का एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत। 19वें G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। गुजरात के जामनगर में वायुसेना के हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग हुई। तकनीकी खराबी के कारण हेलीकॉप्टर को लालपुर तालुका के गोवन गांव के खेत में उतारा गया। अच्छी खबर यह है कि हेलीकॉप्टर की लैंडिंग सुरक्षित रही।